नमस्कार, रूबीज पंजाबी किचन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी जो कि बच्चों के फेवरेट है। जब सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है बच्चों के स्कूल जाने की, उस समय कई बार कुछ नहीं समझ आता कि बच्चों को क्या दें, तो आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ 100% बच्चों की फेवरेट है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ जीरा और आलू की रेसिपी। बहुत सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच तेल ले लिया है, मैंने सरसों का तेल लिया है। आप चाहें तो कोई भी रिफाइंड तेल ले सकते हैं। तो हमारा ये ऑयल गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले जाएगा ये तकरीबन 1 चम्मच जीरा। इसमें जाएगी 1 चुटकी हींग। गैस मैंने थोड़ी स्लो रखी हुई है। अब मैंने यहाँ लिए तकरीबन 4 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको मैंने ऐसे लंबा लंबा काट कर पानी में भिगो दिया ताकि इनका स्टार्च निकल जाए। इनको मैं पानी में से निकाल लूँगी। ये मैंने पानी से निकाल लिए हैं और मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा चला दूँगी। ये मैंने कच्चे आलू लिए हैं और ये रेसिपी कच्चे आलुओं से ही बेहतरीन बनती है। उबले हुए आलू ना लें। अब इसको हम धीमी आंच पर थोड़ी देर पका लेंगे। आलूओं की और जीरे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है किचन में। अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियो में कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मेरी ऐसी ही नई नई सिंपल बढ़िया रेसिपी आपको जल्दी से देखने के लिए मिल जाएं। अभी ये मैंने इसमें सिर्फ ज़ीरा डाला है, हींग डाली है और आलू डाले हैं। अभी मैंने इसमें कोई भी सूखा मसाला, नमक, मिर्च कुछ नहीं डाला और अभी नहीं कुछ डालना। इसको थोड़ी देर, जब तक ये आलू आधे से ज़्यादा ना पक जाएं, इनको ऐसे ही पकाना है। अब मैंने गैस को, आंच को मीडियम से थोड़ा सा हाई कर दिया है, क्योंकि मुझे ये आलू थोड़े से क्रिस्पी बनाने हैं, मैशी नहीं करने, तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी गैस हाई करनी पड़ी। लेकिन इन्हें चलाते रहेंगे वरना ये जल जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे, क्योंकि इसमें पानी तो डालना नहीं है, ये ऐसे ही ऑयल में ही पकेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगती, बस 5-7 मिनट ही लगते हैं, इसलिए इनको कंटिन्यूसली चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। ये ऑलमोस्ट पक गए हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपने थोड़े से सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, बिल्कुल आधा छोटी चम्मच पिसा हुआ धनिया, बिल्कुल इतनी छोटी सी 1 पिंच लाल मिर्च, क्योंकि बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते लाल मिर्च खाना तो मैं नहीं डालूँगी। इन्हें थोड़ा सा हम मिला लेंगे अच्छे से। अगर आपके बच्चे थोड़ी मिर्च खा लेते हैं तो आप और डाल सकते हैं। अब मैंने गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम कर दिया है। 1-2 मिनट और हो चुके हैं। अब मैं इसमें ये 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी का डाल दूँगी। ये सूखी हुई मेथी होती है, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर और खुशबू आती है। इसमें हल्दी नहीं डलती। इसको भी हम अच्छे से चला लेंगे। ऑलमोस्ट मेरे आलू वैसे पक चुके हैं, देखिए बिल्कुल गल चुके हैं आलू, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा मुझे और क्रिस्पी करना है। बच्चों को जितनी सिंपल चीज़ बना के दो उनको वो उतनी ही पसंद आती है, क्योंकि उसमें ओरिजिनल टेस्ट होता है सब्ज़ी का। ज़्यादा मसाले भर देने से सब्ज़ी का अपना टेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब मैं इसमें 1/2 छोटी चम्मच सूखा हुआ पिसा हुआ अमचूर डाल रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे अनारदाना डाल सकते हैं या 1/2 नींबू का रस निचोड़ सकते हैं। और अब मैंने गैस कर दी है बंद। एक बात और, इसको ढकना नहीं है बिल्कुल भी, मैंने ये बिल्कुल खुले पकाए हैं। ढकने से ये सौगी से हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं रहेंगे। तो आप ये आलू एक बार ज़रूर बनाइए। तो बस मेरे आलू हो गए हैं, अब मैं इनको डिश आउट कर लूँगी।
तो तैयार है ये झटपट तैयार होने वाली रेसिपी जो कि है ज़ीरा आलू। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मिलती हूँ जल्दी ही अपने एक नई रेसिपी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप ये आलू इन्जॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।